हिमाचल के बागवान आर पार की लड़ाई के मूड में है। शिमला के माल रोड पर गिरफ्तारियां देने के बाद अब भी अडानी के प्रदेश में चल रहे तीनों कोल्ड स्टोर की घेराबंदी करने की तैयारी है। सेब बागवान 25 अगस्त को ठियोग के सैंज, रोहड़ू के मेहदली और रामपुर के विधल में बने कोल्ड स्टोर का घेराव करेंगे। बागवानों का आरोप है कि अडानी ने मनमाने ढंग से सेब के रेट तय किए हैं। बागवानों ने जयराम सरकार के प्रति भी रोष है, क्योंकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव आरडी धीमान ने बागवानों को भरोसा दिलाया था कि नौरी यूनिवर्सिटी के कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इसमें बागवान भी होंगे और यहां कमेटी सेब के बाजार भाव को देखते हुए अडानी और दूसरे निजी घरानों के लिए रेट ओपन करेगी। लेकिन अडानी समूह ने खुद ही सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए मूल्य तय कर दिए। बागवान जुलाई माह से ही सेब बहुल क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ठियोग, रोहड़ू, रामपुर, चौपाल, जुब्बल, कोटखाई आदि क्षेत्रों में प्रदर्शन किए गए। 15 अगस्त को हजारों की संख्या में बागवानों ने प्रदेश सचिवालय का घेराव किया। 17 अगस्त को बागवानों ने माल रोड पर धारा 144 तोड़ते हुए प्रदर्शन किया। 100 से ज्यादा बागवानों ने गिरफ्तारियां भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।